इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट में इसको EN लिख देते हैं, वैसे डिनोट करते हैं काय से, काय काय ऐसे, पर फॉर सिंप्लिसिटी हम इसको X लिखेंगे, ठीक है, इसका सिंबल हम फॉर सिंप्लिसिटी X लिखेंगे, ठीक है, तो इसको X से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, ये एक बार मैं आपको समझा चुकी हूँ, किससे, टग ऑफ वॉर, याद है, एक रस्सी है, एक जना इधर से खींच रहा है, एक जना उधर से खींच रहा है, जहाँ से दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है ना, जहाँ से ज़्यादा फोर्स लगेगा वो रस्सी उस तरफ खींच जाएगी, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वो जो रस्सी है दैट इज़ अ बॉन्ड, बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम इस तरफ है, एक एटम इस तरफ है, दोनों के अंदर न्यूक्लियस है विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो न्यूक्लियस क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन पेयर पर अपना फोर्स लगाएंगे, खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो एक तरफ से अट्रैक्शन लग रहा होगा, दूसरी तरफ से भी अट्रैक्शन लग रहा होगा, ये जो अट्रैक्शन लग रहा है ये उस एटम की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर दोनों तरफ से अट्रैक्शन बराबर लग रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, बीच में रहेगा, और अगर सपोज इधर से ज़्यादा लग रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर की तरफ चला जाएगा, मतलब सरक जाएगा, खिंच जाएगा, अट्रैक्ट ज़्यादा इस तरफ होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है बस। हाँ वो भी बता देती हूँ, अभी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में भी यही चीज़ हो रही है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अभी बताती हूँ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो पहले अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लेते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट किसको, हाँ टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट्सेल्फ, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, वो उस एटम की क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो सपोज हमारे पास दो एटम है एक्स और वाई, शेयर्ड पेयर का मतलब है इन्होंने एक बॉन्ड बना रखा है, शेयर्ड पेयर का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, एक बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, तीन बना सकते हैं, और एक बॉन्ड का मतलब होता है अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो एक पेयर आ गया, दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, ये वाई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये जिस पावर से खींच रही है इनकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो X की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, Y की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो इनके साइज पर, इनमें कितने प्रोटॉन्स हैं, ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। अब सपोज मैंने बॉन्ड बनाया होता लेट्स से X और X के बीच में, या Y और Y के बीच में, यानी ये दोनों एटम्स आइडेंटिकल होते, तो जितना फोर्स ये वाला X लगा रहा है इस पर, उतना ही फोर्स ये वाला X भी लगा रहा है इस पर, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये बिल्कुल बीच में रहेगा। क्या ये पॉइंट आ रहा है समझ में? सपोज आपने एक्स और वाई के बीच में बना रखा है बॉन्ड, ये अलग अलग एटम है, एक्स अलग है वाई अलग है, लेकिन एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग वाई के बराबर है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग वाई के बराबर, यानी जितने फोर्स से एक्स इसको खींच रहा है उतने ही फोर्स से लगभग लगभग वाई भी खींच रहा है, तो भी इलेक्ट्रॉन पैर ना इधर जाएगा ना उधर, बीच में रहेगा। लेकिन सेकेंड कंडीशन, अगर ई एन ऑफ एक्स इज ग्रेटर ग्रेटर देन दैट ऑफ वाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की बहुत ज़्यादा है वाई से, तो इसका मतलब एक्स जिस फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा है वो बहुत ज़्यादा है वाई के कंपैरिजन में, तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में नहीं रहेगा और किस तरफ खिसकेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यानी एक्स की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस, जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स की तरफ आएगा तो नेगेटिव चार्ज x पर ज़्यादा बढ़ रहा है ना, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी x पर ज़्यादा बढ़ रही है और y पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। क्या ये पॉइंट आ रहा है समझ में? तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन पेयर x की तरफ आएगा यानी थोड़ा थोड़ा x पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है y के कंपैरिजन में, तो इस पर हम लगा देंगे डेल्टा माइनस और इस पर लगा देंगे डेल्टा प्लस। ये जो साइन है इसको मैं बोल रही हूँ डेल्टा, देखो ये अधूरा है, पूरा साइन नहीं है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटिंग पार्शियल स्लाइट।
क्योंकि वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सिर्फ उसकी तरफ खिसका है, उसके अंदर नहीं आ गया। अगर ये एक्स इस इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर लेगा तो ये बॉन्ड ही टूट जाएगा, क्योंकि बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से। तो उसने उस पर ज्यादा फोर्स लगाया वाई के कंपैरिजन में, तो वो रस्सी सिर्फ उसकी तरफ खिंची है, पूरी उसने नहीं ले ली। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स की तरफ आया है, उसके अंदर नहीं चला गया, उसने गेन नहीं कर लिया, तो उसकी तरफ आया तो उस पर हल्का हल्का नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इसके कंपैरिजन में वाई क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। क्या ये तीनों केसेस समझ में आ गए? ये दोनों केस एक जैसे हैं, आइडेंटिकल वाला केस और ये वाला केस। इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मिड में रहता है, ना इस पर चार्ज आता है ना उस पर चार्ज आता है। क्या ये दोनों केस समझ में आ रहे हैं? तो ईएन की वजह से हो सकता है चार्ज ना आए, अगर ईएन बराबर है या लगभग बराबर है, और हो सकता है चार्ज आ जाए, एक साइड पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी, एक साइड पार्शियल नेगेटिव हो जाएगी। यहां से क्लियर? अब ये वाला जो केस है, क्या मैं इसमें बोल सकती हूं कि एक्स इज अ नेगेटिव पोल, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज साइड, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पोल, वाई इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉजिटिवली चार्ज पोल। इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए ना, ये नेगेटिव हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। इसमें ऐसा कुछ, यहां पर हम दो टर्म्स यूज करते हैं, जहां पर इस तरीके से चार्ज सेपरेशन हो जाता है, एक साइड नेगेटिव बन जाती है दूसरी साइड पॉजिटिव बन जाती है, वो मॉलिक्यूल होता है पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें पोल्स बन गए। कौन से पोल्स? इलेक्ट्रिक पोल्स। एक साइड नेगेटिव बन गई, एक साइड पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। और ये वाला जिसमें ऐसा नहीं हुआ, ये हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ, कोई पोल नहीं बने, नहीं बने तो हम बोलेंगे ये कैसा है? नॉन पोलर। इसमें पोल्स बन गए, एक साइड नेगेटिव बन गई, एक साइड पॉजिटिव बन गई, तो हम क्या बोलेंगे? क्या बन गया? पोलर। क्या ये दोनों टर्म समझ में आ गए? पोलर किसको बोलोगे और नॉन पोलर किसको बोलोगे? अगर चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है तो नॉन पोलर, अगर चार्ज सेपरेशन हो रहा है यानी एक नेगेटिव बन गया एक पॉजिटिव बन गया तो पोलर। इज दिस क्लियर? यस। अब आपका डाउट आया कि मैम ईए में भी तो यही हो रहा है, ईए में भी तो एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, पर क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली डिफरेंस है, तभी तो अलग अलग प्रॉपर्टी है ना। पहला डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। एक एटम अकेला है, यहां पर एटम बॉन्डेड है, अकेला नहीं। मैं सिर्फ एक्स की बात नहीं करी, मैं सिर्फ वाई की बात नहीं करी, मैं एक्स और वाई ने जब बॉन्ड बना लिया तब क्या सिचुएशन है उसकी बात कर रही हूं। तो सबसे पहला डिफरेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यह है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम एक सिंगल एटम को कंसिडर करते हैं, आइसोलेटेड गैशियस एटम। इसकी डेफिनेशन में मैंने एन एटम लिखा है, ये बॉन्डेड एटम है, क्योंकि तभी तो वो शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ईए में एटम उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली गेन कर रहा है, वो उसको इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि वो एटम उसके अंदर आ गया और वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन गया, कंप्लीट नेगेटिव। अगर ईए को रिप्रेजेंट करना होता तो मैं एक्स को एक्स माइनस लिखती, ना कि डेल्टा माइनस। और इसमें वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है, वो गेन नहीं कर रहा, गेन करेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, राइट? तीसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी है ना, उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी चेंज आता है, तो उसकी यूनिट्स भी अपन एनर्जी वाले लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल। ईएन की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज जस्ट अ टेंडेंसी, जिसमें ज्यादा टेंडेंसी उसकी ईएन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जिसमें कम टेंडेंसी उसकी ईएन की वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 है, देयर इज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इट इज जस्ट अ रिलेटिव वैल्यू। कि मैं बोलूं फ्लोरीन की 4 है और ऑक्सीजन की 3.5 है, अब तुम समझ जाओगे जिसकी ईएन ज्यादा है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी ईएन कम है उसके कंपैरिजन में। तो ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यूनिट आ जाता है एनर्जी का, वो एब्सोल्यूट आप निकाल सकते हो कि भाई इसने इतनी एनर्जी रिलीज करी, इसने इतनी एनर्जी रिक्वायर करी। अब क्लियर हो गया? तो दोनों क्या है? अलग अलग प्रॉपर्टीज है। क्लियर है यहां तक सबको? कोई डाउट? चलो साथ साथ लिखते जा रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपने आप सोच के बताना. पहला फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो EN. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी इनके अंदर जो प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो रहा है, तो वही तो खींच रहा है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, तो यानी EN भी ज्यादा होगी. नहीं नहीं, दोबारा समझाऊं? हाँ. जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पर. तो अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर न्यूक्लियस से लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियसली EN ज्यादा होगी ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल होगा, इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा ना. अगर इसका न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगा रहा है इस पर तो इस ज्यादा शिफ्ट होगा, ज्यादा शिफ्ट होगा तो EN इसकी ज्यादा होगी. ठीक है. सेकंड, एटॉमिक साइज. सोच कर बताओ, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है यानी बड़ा एटम है, अगर बड़ा एटम है तो EN कम होगी क्योंकि उसका न्यूक्लियस का डिस्टेंस उससे ज्यादा हो चुका होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम, जेड इफेक्टिव कम हो चुका होगा ना, अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके होंगे. ठीक है. थर्ड, आपको हो सकता है अभी समझ में ना आ रहा हो, या पूरा पूरा तो नहीं आ रहा ना, इतना अच्छा तो मैं पढ़ा ही नहीं रही हूँ कि पूरा आ जाए, है ना. तो आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, उसके बाद मुझसे पूछ लेना डाउट्स जो भी हैं आपके, या मैं आपको पढ़ा दूंगी, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, घबराना मत अभी. थर्ड इज IENEA. थर्ड फैक्टर है IE और EA. अगर किसी की IE ज्यादा है, अगर किसी की IE ज्यादा है, EA ज्यादा है. अगर किसी की IE ज्यादा है, EA ज्यादा है तो EN. IE ज्यादा मतलब उसको लूज नहीं करना, उसको लूज नहीं करना. EA ज्यादा मतलब उसको गेन करना है, तो EN भी ज्यादा होगी. क्लियर. फोर्थ फैक्टर पर आ जाओ. ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट, आपने रिडॉक्स पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है ना. तो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर पॉजिटिव, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती. तो अगर किसी की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, अगर किसी की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, हाँ जी, कोई अगर आवाज आए तो दिक्कत, डिपेंड करता है आवाज कैसी है, गाने की. नहीं नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, खुले रहने दो, खुले रहने दो, खुले रहने दो, कोई बात नहीं, डेकोरेट कर लो, गाने ही तो चलाओगे, गाने ही तो गाओगे, और तो कुछ नहीं होगा ना. हाँ हाँ ठीक है, खुले रहने दो बेटा, सफोकेशन बहुत हो जाएगी. हाँ, गाना, मुझे गाना गाना नहीं आता. खैर ऐसा होता नहीं, सबको गाना गाना आता है, अच्छा आता है या बुरा आता है वो एक बात अलग है ना. चलो, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है. इसको इजी तरीके से ऐसे समझो, सपोज एक्स टू प्लस है और एक्स थ्री प्लस है. आप सोच के बताओ EN किसकी ज्यादा होगी. अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, एक पर टू प्लस का चार्ज है, एक पर थ्री प्लस का चार्ज है, तो EN किसकी ज्यादा होगी. ऑब्वियसली क्योंकि ये पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसका अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा होगा, तो जितनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी EN भी उतनी ही ज्यादा होगी.
लास्ट फैक्टर एस कैरेक्टर. एस कैरेक्टर. बेटा एक बात ना, क्या नाम है आपका, इनका नाम क्या है, शरद? हाँ शरद पवार. तो शरद मैं आपको एक बात बता देती हूँ, क्योंकि ये दूसरी बार हो रहा है आज की क्लास में, कि आप जिस एज में हो ना और जिस स्टेज में हो, मैं बहुत पहले उस एज और उस स्टेज दोनों को क्रॉस कर चुकी हूँ. तो जब आप मुस्कुराते हो या जब आप हंसते हो तो मुझे पता होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. जैसे यहाँ भी चला था जब मैंने सिंबल बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना, फिर अभी यहाँ भी चला. तो आई नो जो आप मुस्कुराते हो वो मुझे समझ में आ जाता है. आपकी एज क्या है, 17, 18, 18, 19, 18, 19, 17, 18, 19, 17. आई एम 39, टर्निंग टू बी 40. तुमसे 20 साल बड़ी हूँ मैं, है ना. तो तुम जहाँ तुम सोचना शुरू होते हो ना, मैं सोच चुकी होती, बच्चा ये सोच रहा है, वो मैं क्लास के बाहर बताऊंगी आपको. हाँ बताओ. हाँ तो वो तो यही जे वाले सेलिब्रेट करे, तो नीट वाले तो हमारे बेकार बच्चे हैं, नीट वाले तो बेकार हैं, जे वाले मक्कार ज्यादा होते हैं, नीट वाले सिंसियर बच्चे, तुम्हारा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगता है. हाँ वो पढ़े रहते हैं क्लास में, पढ़ते नहीं हैं, पढ़े रहते हैं. चलो एस कैरेक्टर. एस कैरेक्टर ये ऑल दो आप बॉन्डिंग में समझोगे, एस पी डी एफ इन चीज़ों से रिलेटेड है, बट अभी के लिए सिर्फ पॉइंट लिख लो वरना ये आधा रह जाएगा. अगर किसी में एस कैरेक्टर ज़्यादा है, अगर किसी ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसकी ई एन ज़्यादा होगी. अभी के लिए बस ये पॉइंट लिख कर छोड़ दीजिए. ये जब इसके बाद हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें जब हम पढ़ेंगे ना एस पी, एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, एस पी थ्री कुछ याद आ रहा है पुराना, इलेवेंथ में पढ़ा होगा ना, एस पी, एस पी टू, एस पी थ्री, एस पी हाइब्रिडाइजेशन होता है, एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होता है, एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनमें कंपैरिजन करवाते हैं. तो देखो इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है. कैसे ज़्यादा है, दो में से एक एस है, 50% हो गया ना एस कैरेक्टर. इसमें एस पी टू तीन में से एक एस, 33% हो गया, और इसमें चार में से एक है, 25% हो गया. तो एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है ई एन भी उतनी ज़्यादा होती है. एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है ई एन भी उतनी ज़्यादा होती है. अभी के लिए बस ये लिख कर छोड़ दो, लर्न कर लो, जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो ये और अच्छे समझ में आ जाएगा. ठीक है चलो अब आते हैं स्केल्स टू मेजर ई एन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के स्केल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तीन स्केल्स आएंगे, तीनों इंपॉर्टेंट हैं. ई एन को कैसे मेजर करोगे उसके स्केल्स हैं. तो पहला आता है पॉलिंग स्केल. पॉलिंग स्केल सीधे आपको फॉर्मूला लर्न करना है इसका. क्या फॉर्मूला होता है पॉलिंग स्केल का, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू, हाँ बहुत बढ़िया, 0.208 अंडर रूट ऑफ ई ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ ई ए ए इंटू ई बी बी, वेर ई इज बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल. यूनिट याद रखना ज़रूरी है, ठीक है. ई क्या है, बॉन्ड एनर्जीज है, यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर मोल. सपोज आपको बॉन्ड एनर्जी दे दी किलो जूल पर मोल में, तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह आ जाएगा 0.1017. ठीक, ए और बी दो एटम्स हैं जो बॉन्डेड हैं, ए और बी के बीच में आपस में बॉन्ड बना हुआ है,
तो आप एक्स ए माइनस एक्स बी निकाल रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल रहे हो, ठीक है। ई ए बी क्या है? इस बॉन्ड की एनर्जी, ए बी वाले बॉन्ड की एनर्जी। और ये ए बी बना कैसे होगा? ये जो मॉलिक्यूल है ये बना कैसे होगा? ये ए टू प्लस बी टू से बना होगा, ए टू प्लस बी टू के रिएक्शन से ए बी बना होगा। तो ए और ए की बॉन्ड एनर्जी ये है ई ए ए, और बी और बी की बॉन्ड एनर्जी ई बी बी, ठीक है। ए बी की बॉन्ड एनर्जी ई ए बी। तो ये तीनों बॉन्ड एनर्जीज हैं, ये ए बी की, ये ए टू की, ये बी टू की। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, किलो कैलोरी पर मोल में है यहाँ पर एनर्जीज, और अगर किलो जूल पर मोल में दे दी तो 0.208 की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जब किलो जूल पर मोल में आपको एनर्जी दे रखी हो। हाँ, यस, इनटू, ठीक। सेकंड स्केल आता है मुल्किन का स्केल, मुल्किन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन्होंने ई एन कैसे निकाली? क्योंकि वन ऑफ द फैक्टर्स इज आई ई एंड ई ए, ई एन इज डिपेंडिंग अपॉन आई ई एंड ई ए, तो ई एन निकाली इन्होंने आई ई प्लस ई ए बाय टू। ये फॉर्मूला बन जाता है अकॉर्डिंग टू मुल्किन स्केल, आई ई प्लस ई ए डिवाइड बाय टू, ठीक। जब आई ई एंड ई ए दोनों एनर्जीज है ना, इन दोनों को आपने लिखा हुआ है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। जब आई ई और ई ए दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अब अपने आप बताना, सपोज आई ई एंड ई ए किलो कैलोरी पर मोल में है, सपोज आई ई एंड ई ए किलो कैलोरी पर मोल में है, तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज होगा बताओ। और जब मैं पूछ रही हूँ बताओ, इसका मतलब मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये चीज़, इसलिए पूछ रही हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो कैलोरी पर मोल में रिलेशन बता चुकी हूँ, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 23.06 किलो कैलोरी पर मोल, तो ये आ जाएगा। अगर किलो जूल पर मोल में होगा तो 96.49, याद है, वो आ जाएगा। इसको हटाओ, वो लगा दो, तो यूनिट जरूर देखना कि ये कौन सी यूनिट में गिवन है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करना, ठीक। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुल्किन स्केल पर जो वैल्यू आती है वो 2.8 टाइम्स ज्यादा होती है पॉलिंग स्केल से। पॉलिंग स्केल पर वैल्यू और मुल्किन स्केल पर वैल्यू कितने फैक्टर से डिफेयर कर रही है? 2.8 टाइम्स, ये वाली बड़ी आती है। तो सपोज आपको मैंने बोल दिया कि किसी भी एटम की मुल्किन स्केल पर वैल्यू एक्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, किसी भी एटम के लिए मुल्किन स्केल पर वैल्यू उसकी ई एन की कितनी है? एक्स। तो पॉलिंग स्केल पर कितनी होगी? डिवाइड बाय 2.8। मतलब अगर मुझे इसी फॉर्मूले को पॉलिंग स्केल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं 2.8 से। आ रहा है समझ में? तो मुल्किन स्केल पर वैल्यू पॉलिंग स्केल से क्या आती है? 2.8 टाइम्स ज्यादा आती है। ठीक, थर्ड स्केल, ऑलरेड एंड रशाव स्केल। ऑलरेड एंड रशाव क्या कहता है? ये किसी एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.744 प्लस 0.395 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। 395 आई थिंक,
कंफर्म करूं, सकता है मुझे गलत ध्यान हो। आप क्या बोल रहे हो? 359, yes, 359. Z effective upon R square. Z effective तो समझते हो, A का Z effective, और R क्या है? A का radius, covalent radius, कौन से unit में? Radius के तो unit होते हैं, angstrom में, ये तुक्का था तेरा, है ना? हाँ, R क्या है? Covalent radius of A, covalent radius of A in angstrom. ठीक है, ये तीन स्केल हो गए ईएन को मेजर करने के। चलो अब ट्रेंड की बात करते हैं, जनरल ट्रेंड। अक्रॉस अ पीरियड, सोच के बताओ, अक्रॉस अ पीरियड, मैंने हमेशा कहा है जनरल ट्रेंड साइज से लिया करो, तो अक्रॉस अ पीरियड साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज कम हो रहा है, तो ईएन बढ़ेगी, है ना? मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उधर की तरफ बढ़ रही है। डाउन अ ग्रुप, डाउन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज का क्या होता है? बढ़ता है, तो ईएन कम होगी। एक्सेप्शंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ज्यादा नहीं है इसमें, तीन ही है। एक्सेप्शंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला सोच के बताओ, ई एन ऑफ नोबल गैसेस, ई एन ऑफ नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस जीरो, बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे ना, बॉन्ड ही नहीं बनाएंगी इनर्ट गैसेस तो जीरो, ठीक है। दूसरा, आपको ई एन याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होनी चाहिए कुछ कुछ एलिमेंट्स की, ठीक है। फ्लोरीन तक ही लिख रही हूँ मैं, क्योंकि नियॉन की तो जीरो है, ठीक है, वो नहीं लिख रही। फिर इसके नीचे कौन है? हाइड्रोजन की होती है 2.1, याद होनी ही चाहिए, नहीं होगी तो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाओगे। फ्लोरीन की कितनी है? 4। क्लोरीन की कितनी है? 3। ये तीन याद रखनी है आपको, ठीक है, हाइड्रोजन की याद रखना, फ्लोरीन की याद रखना, क्लोरीन की याद रखना। अब देखो, इससे 0.5 कम करते चले जाओ, बाकी वैल्यूज लर्न करने के लिए इससे 0.5 क्या करना है? कम, तो इसकी हो जाएगी 3.5, इसकी 3, कम करते जाना, ठीक है। नीचे वाले में क्या होगा? पहले 0.5 कम करना, फिर 0.4 कम करना, और फिर बाकी सब में 0.3 कम करना है, 0.5, 0.4 और बाकी सब में 0.3। कितना आ जाएगा? 1.8, 1.5, 1.2 और 0.9, ठीक। थर्ड पॉइंट एक एक्सेप्शन है, ग्रुप 13 का।
तुम देखो ग्रुप 13 का एक्सेप्शन हर केस में आता है, साइज में भी आया, आईई में भी आया, ईए में भी आया, और इसमें ईएन में भी आया। ऐसा क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है ग्रुप 13 के साथ? क्योंकि लैंथेनाइड और ट्रांजिशन एक्टिनाइड इन सबके बाद सीधे ग्रुप 13 आ रहा है, तो सबसे ज्यादा फर्क इन सारी चीजों का ग्रुप 13 पर पड़ रहा है। इसमें से सारी प्रॉपर्टीज क्या है इसमें, हाँ बिगड़ गई है ना। तो ग्रुप 13 में जब आप चलोगे डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप में ईएन को क्या होना चाहिए, डिक्रीज। पहले तो ग्रुप 13 लिख लो क्या है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये है ना ग्रुप 13। तो अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड ईएन शुड डिक्रीज। शुड डिक्रीज का मतलब ऐसे होना चाहिए, होना चाहिए, होगा क्या, ऐसे होगा, बोरॉन, बोरॉन के बाद आ जाएगा थैलियम, फिर आ जाएगा इंडियम, फिर आ जाएगा गैलियम, फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम। रीजन वही ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है तो ये आगे आ गया, फिर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का फर्क जिस पर आ रहा है वो आ गया, फिर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का फर्क जिस पर आ रहा है वो आ गया।